नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का मेरी इतिहास की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आशा करता हूँ कि इस वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान आप सभी घर पे हो, सुरक्षित हो और आपकी जो पढ़ाई है वो जारी है। तो चलिए आज अपन शुरू करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का संस्थापक शासक। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। कई जो बुक हैं उनमें 323 भी मिल जाता है, वो क्यों मिलता है इसकी भी चर्चा अभी अपन करेंगे। तो पीछे अपन ने बात की थी कि मगध के विस्तार में विभिन्न राजवंशों का योगदान रहता है और वो जो चार राजवंश हैं उनमें अंतिम राजवंश था नंद राजवंश और उसका अंतिम शासक था धनानंद। इस समय अपन देखते हैं कि भारत में धनानंद के शासन के दौरान यूनानी शासक सिकंदर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण करता है। भारत का जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, वर्तमान अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, उस पे सिकंदर आक्रमण करता है, जिसकी वजह से उस क्षेत्र में अराजकता फैल जाती है, अशांति का माहौल उस समय बन जाता है। और इससे पहले अपन देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अपन ने बात की थी कि धनानंद चाणक्य का अपमान कर देता है और उस अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ लाता है और उसे हर प्रकार की जो विद्याएं हैं उनमें निपुण करने का प्रयास करता है। तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था उसके आचार्य थे चाणक्य, वहां ले जाके इनको हर प्रकार की शिक्षा चाणक्य प्रदान करते हैं। और जब ये योग्य बन जाते हैं, चाणक्य को ये लगने लगता है कि अब पूर्ण योग्य हो गए हैं, तो दोनों मिलके एक छोटी सी सेना संगठित करते हैं और छोटी सी सेना संगठित करके मगध की जो राजधानी है पाटलिपुत्र पे आक्रमण करते हैं, धनानंद पे आक्रमण करते हैं और वहाँ पे इनको करारी हार का सामना करना पड़ता है। और दोनों किसी तरीके से धनानंद से पराजित होके अपने प्राण बचाने में ये सफल हो जाते हैं, वहाँ से भागने में ये सफल हो जाते हैं, वहाँ से चल के वापस ये पश्चिमोत्तर भारत की तरफ जाते हैं। रास्ते में ये रुकते हैं, एक कहानी मिलती है आपने सुनी होगी कि रास्ते में ये रात्रि होने पे एक बुढ़िया के यहाँ रुकते हैं और वहाँ पे ये भोजन करते हैं। बुढ़िया खिचड़ी बनाती है और सबसे पहले अपने बालक को परोसती है। तो बच्चा है, वो बच्चा होता है समझदार नहीं रहता, तो बच्चा है सीधी उंगली डालता है खिचड़ी के बीच में और उसकी उंगली जल जाती है और वह बच्चा रोने लगता है। तो वह बुढ़िया उसको समझाती है कि बेटा बीच में से ज़्यादा गर्म है, अगर सीधा हाथ डालोगे तो जलेगी, इसलिए क्या है पहले किनारे किनारे से आप खाओ। इस बात को चाणक्य बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे, इस घटना को विष्णुगुप्त बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने इस बात से एक शिक्षा प्राप्त की, उनके दिमाग में ये विचार आया कि हमने भी यही गलती की है, हमने भी खिचड़ी के बीच में हाथ डाला है, अर्थात अपन ने सीधा धनानंद की राजधानी पे आक्रमण किया है कि अपने पास इतने संसाधन, इतनी बड़ी सेना है नहीं जितनी बड़ी धनानंद के पास है, इसलिए अपने को पहले सीमांत जो क्षेत्र हैं, बाहरी जो राज्य हैं उनको जीतना चाहिए। अभी अपन ने पीछे बात की कि 326 में सिकंदर पश्चिमोत्तर भारत को जीतता है, वहाँ पे जैसे ही वो लौट जाता है अशांति का माहौल बन जाता है, तो वहाँ से कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं चाणक्य और
चंद्रगुप्त और एक छोटी सेना का ये गठन कर लेते हैं और पंजाब वाला जो क्षेत्र है, पंजाब और पाकिस्तान वाला, उसको जीतने में ये कामयाब होते हैं। इसके बाद ये दोनों अपनी स्थिति को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए दोनों हिमालयी जो क्षेत्र है वहाँ का जो शासक था पर्वतक से संधि करते हैं और पर्वतक से मित्रता स्थापित कर लेते हैं और कहते हैं कि अगर आपकी सेना या आप हमारी सहायता करोगे और हम मगध पे आक्रमण करके उसे जीत लेंगे तो जीतने के बाद इसे आधा आधा अपन बांट लेंगे। तो इस लालच में पर्वतक आ जाता है और हर प्रकार की सहायता चाणक्य और चंद्रगुप्त को प्रदान करना स्वीकार कर लेता है। तो ये दोनों अब इस समय और ज़्यादा सुदृढ़ होते हैं और पर्वतक की सेना और अपनी सेना की सहायता से मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पे आक्रमण करते हैं, पाटलिपुत्र को जीतते हैं, धनानंद की सेना को हराते हैं और धनानंद को मार के मगध में एक नवीन राजवंश की स्थापना करते हैं जिसे इतिहास में मौर्य वंश के नाम से जाना जाता है। तो अभी अपन ने बात की कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल है कई जगह 322 ईसा पूर्व मिलता है और कई जगह 323 ईसा पूर्व मिलता है। तो यह माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने पहले पश्चिमोत्तर क्षेत्र जीता था और इस क्षेत्र को कब जीता था, 323 ईसा पूर्व में, और एक साल बाद इन्होंने मगध या पाटलिपुत्र को जीता था, इसलिए ये दोनों साल मिलते हैं। यानी मगध का शासक कब बना चंद्रगुप्त मौर्य, 322 ईसा पूर्व में, और पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है, इस पश्चिमोत्तर जो क्षेत्र है, पश्चिमोत्तर क्षेत्र का शासक कब बना, 323 ईसा पूर्व में। तो चलिए अब अपन बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य है, इसके बारे में हमें जानकारी यूनानी साहित्य में मिलती है। यूनानी साहित्य सबसे बड़ा स्रोत है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने में, और इसके अलावा एक अभिलेख भी मिला है शक शासक रुद्रदामन का, एक अभिलेख मिला है गुजरात का जो क्षेत्र है जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख मिला है संस्कृत भाषा में लिखा हुआ, और उसी अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, और यही भारत का पहला अभिलेख है जिसमें हमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम मिला है। तो ये एक अच्छा प्रश्न बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का या चंद्रगुप्त मौर्य नाम का प्रथम उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है, तो कौन सा अभिलेख होगा दोस्तों, यहाँ पे शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इस अभिलेख में जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय जूनागढ़ का जो क्षेत्र है, सौराष्ट्र का जो क्षेत्र है, वहाँ का जो प्रांतीय शासक था पुष्यगुप्त वैसे, उसने सुदर्शन झील यहाँ पे बनवाई थी। तो अभिलेखीय साक्ष्यों की अपन बात करते हैं, तो पहला विवरण चंद्रगुप्त के बारे में कौन से अभिलेख में मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख में, जो कि शक शासक रुद्रदामन का है। अब अपन बात करते हैं यूनानी साहित्य की। यूनानी साहित्य में दो नाम मिले हैं, सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स, या सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस, ये दोनों नाम मिलते हैं। ये दोनों नाम किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं, इनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन
सेंड्रोकोट्स जो नाम है स्ट्रेबो और जस्टिन के जो विवरण मिले हैं वहाँ पे सेंड्रोकोट्स नाम मिला है कि सेंड्रोकोट्स ने ये किया, सेंड्रोकोट्स ने ये क्षेत्र जीता, इस प्रकार की जानकारी मिलती है। जबकि प्लूटार्क का जो विवरण है वहाँ पे एंड्रोकोट्स नाम मिलता है। तो पहले किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स कौन हैं, लेकिन बाद में विलियम जोन्स नामक जो इतिहासकार था उसने 1793 ईस्वी में ये बताया कि सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य को ही यूनानी साहित्य में सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स नाम से संबोधित किया है। तो यहाँ पे तीनों ही प्रश्न अच्छे हैं। पहला प्रश्न अपन देखते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से संबोधित किया गया है या चंद्रगुप्त मौर्य का नाम क्या मिलता है, तो क्या सेंड्रोकोट्स या एंड्रोकोट्स। यहाँ पे अपन बात करते हैं कि सेंड्रोकोट्स नाम किन इतिहासकारों ने क्या या किन यूनानी इतिहासकारों ने दिया है, तो स्ट्रेबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है, जबकि प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स कहा है। इसके अलावा एपियानिस है, उसने भी हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी अपने विवरणों में उपलब्ध करवाई है। फिर एक प्रश्न ये भी अच्छा है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स जो नाम हैं उनका समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किसने किया, तो किसने किया, विलियम जोन्स ने 1793 में, जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से जुड़े हुए थे, भारत का जो इतिहास लिख रहे थे, भारत के इतिहास से संबंधित शोध ये कर रहे थे, तो इन्होंने सबसे पहले इन नामों का समीकरण किया था। अब अपन देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की कुछ घटनाएं हैं, उन घटनाओं से संबंधित भी कुछ प्रश्न बनते हैं, कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य है वो किसको हरा के शासक बना था, तो किसको, नंदवंश के शासक धनानंद को। एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स नाम से यूनानी साहित्य में किस शासक को संबोधित किया गया है, तो ये हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य शासक बन जाता है और अपना प्रधानमंत्री अपने गुरु चाणक्य को बनाता है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु भी था और प्रधानमंत्री भी था। प्रारंभ में अपन देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य है वो हिंदू धर्म का उपासक था, हिंदू धर्म को मानने वाला था। धनानंद के समय अपन देखते हैं जो भारत है, थोड़ा सा रफ मानचित्र अपन समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ये जो क्षेत्र है, यहाँ तक का जो क्षेत्र है वो मगध में सम्मिलित था। हिमालय की तराई से लेके बंगाल की खाड़ी तक का जो क्षेत्र है, जिसमें बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यहाँ तक का जो क्षेत्र है वो मगध में सम्मिलित था। मगध जो महाजनपद है वो एक साम्राज्य की तरफ परिवर्तित हो गया था किस समय तक, नंदों के समय तक। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों ने अपनी योग्यता से संपूर्ण भारतवर्ष में इस साम्राज्य को फैला दिया। भारत के लिए जो प्राकृतिक सीमाएं हैं, विष्णु पुराण में जो विवरण मिलता है कि हिमालय के दक्षिण में और हिंद महासागर के उत्तर में जो भूमि है वही भारतवर्ष है। तो अपन देखते हैं कि भारतवर्ष की या भारत की प्राकृतिक सीमाएं हैं, वैज्ञानिक जो सीमाएं हैं, उत्तर में हिमालय है, भारत के दक्षिण में सागर है, पश्चिम में, पूर्व में अपन देखते हैं घने जंगल हैं और पहाड़ियां हैं, जबकि
यहाँ पे पश्चिम में अपन बात करते हैं, पूर्व में क्या है, घने जंगल। पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है वहाँ पे घने जंगल हैं, पहाड़ियाँ हैं, और पश्चिम की अपन बात करते हैं या पश्चिमोत्तर की अपन बात करते हैं तो यहाँ पे थार का मरुस्थल है। इसके अलावा हिंदू कुश पर्वत है, यानी भारत ने प्रकृति को हर तरफ से, चारों तरफ से सुरक्षित बनाया है। लेकिन यहाँ पे जो क्षेत्र है, हिंदू कुश जो पर्वत है या हिमालय का ये जो क्षेत्र है, इसमें कुछ दर्रे हैं, कुछ ट्रेंच हैं। इन दर्रों के द्वारा ही भारत पे समय समय पे आक्रमण हुए हैं, यहीं से आक्रमणकारियों ने भारत को जीता है। तो यहाँ से लेके, यहाँ पे अपन बात करते हैं हिमालय या अफगानिस्तान से लेके बांग्लादेश तक का जो क्षेत्र है, नेपाल का कुछ भाग भी उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में सम्मिलित था, नेपाल से लेके और यहाँ सौराष्ट्र तक का जो क्षेत्र है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान तक का जो क्षेत्र है, ये सारे जो भाग है यानी जो प्राकृतिक सीमा है, वहाँ तक चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य फैला हुआ था। तो दोस्तों, अंग्रेज़ों ने 18वीं और 19वीं शताब्दी में अपनी सारी शक्ति लगा दी थी, लेकिन फिर भी वो इन प्राकृतिक सीमाओं को प्राप्त नहीं कर पाए थे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने उस काल में संसाधनों का अभाव होते हुए भी भारत की प्राकृतिक सीमाओं को प्राप्त किया था। भारत में ऐसा कोई भी शासक नहीं हुआ, ऐसी कोई भी शक्ति नहीं हुई जिसने भारत की प्राकृतिक सीमाएं या वैज्ञानिक सीमाओं को प्राप्त किया था चंद्रगुप्त मौर्य को छोड़ के। इसलिए भी ये भारत के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण शासक है। अब ये शासक बनने के बाद भारत के एक एक क्षेत्र को जीतता है और ये राष्ट्रीय राज्य बनाता है। यहाँ पे अपन देखते हैं कि सिकंदर की जैसे ही मृत्यु होती है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु होती है, तो उसका जो राज्य था, उसने जो विशाल राज्य बनाया था, अब वो राज्य है, उसका उत्तराधिकारी कौन होगा? तो इसको लेके उसके जो सेनापति है, उनमें एक संधि होती है, ट्रिपिडेरियस की जो संधि होती है, उसके तहत उसके राज्य का बंटवारा होता है। और भारत से लगे हुए जो क्षेत्र हैं वो यूनानी शासक सेल्यूकस को मिलते हैं। ये जो क्षेत्र हैं ये यूनानी शासक सेल्यूकस को मिलते हैं। सेल्यूकस इन राज्यों का शासक बनता है। तो अब भारत से लगने वाली यूनान की जो सीमा है, वहाँ का शासक कौन है? सेल्यूकस है। तो सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसी जानकारी मिलती है कि इन दोनों के मध्य 305 ईसा पूर्व में युद्ध होता है, और उस युद्ध में विजय किसकी होती है? चंद्रगुप्त मौर्य की। इसके बारे में हमें जानकारी यूनानी साहित्य में मिलती है, और विशाखदत्त का जो मुद्रा राक्षस है उसमें भी हमें इससे संबंधित जानकारी मिलती है कि यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध हुआ था। तो दोनों के मध्य कब युद्ध हुआ? 305 ईसा पूर्व में। ये भी अच्छा प्रश्न बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया था। सन है वो एग्जाम में नहीं पूछी जाती है यहाँ से, लेकिन शासक का नाम अवश्य पूछा जाता है। तो शासक कौन हो गया? सेल्यूकस। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य ये जो युद्ध हुआ, इसका निर्णय क्या रहता है? इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की विजय होती है। चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बाद सेल्यूकस व चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य एक संधि होती है, जिसकी जानकारी हमें प्लूटारक है, जस्टिन है, एरियन है और एपियानस है, ये देते हैं। इनके विवरणों से हमें कुछ जानकारियां इनके बारे में मिलती है। अब दोनों के मध्य युद्ध हो गया, विजय मिल जाती है किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और दोनों के मध्य जो संधि होती है, उस संधि में कुछ शर्तें निर्धारित की गई थी। तो इस संधि की पहली जो शर्त है, ये महत्वपूर्ण है कि सेल्यूकस ने अपने राज्य के चार जो प्रांत है, काबुल,
कंधार हेरात बलूचिस्तान, ये जो चार प्रांत है ये पाकिस्तान में है, ये ईरान में है, काबुल और कंधार अफगानिस्तान में है। ये चारों जो प्रांत है वो सेलूकस किसको प्रदान करता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य है वो अब ईरान तक बढ़ जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि सेलूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को कौन कौन से चार प्रांत दिए थे? तो काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान। इसके अलावा ये जो 305 ईसा पूर्व में संधि होती है, इस संधि की दूसरी शर्त यह तय हुई कि सेलूकस अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करेगा। तो सेलूकस की जो पुत्री थी हेलना या कार्लेनिया, इसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से सेलूकस कर देता है। यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। इससे पहले देश के अंदर ही विवाह होते थे, किसी दूसरे देश में किसी भी शासक का विवाह नहीं हुआ जिसकी जानकारी इतिहास में उपलब्ध हो। इतिहास में उपलब्ध जानकारियों में यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। अपन देखते हैं वर्तमान में आधुनिक काल की अपन बात करते हैं, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनमें राजीव गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था सोनिया गांधी से। तो ऐसे ही उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने भी हेलना या कार्लेनिया से विवाह किया था। ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलूकस की किस पुत्री से विवाह किया था या सेलूकस की पुत्री का क्या नाम था जिससे चंद्रगुप्त ने विवाह किया था? तो क्या नाम था? हेलना या कार्लेनिया। इसके बाद पीछे अपन ने चार प्रांतों की बात की, तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि सेलूकस ने ये चार जो प्रांत हैं अपनी पुत्री हेलेना को दहेज में दिए थे। इतना बड़ा दहेज चंद्रगुप्त मौर्य को उस समय मिला था। अगली जो इस संधि की शर्त है वो ये तय हुई कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेलूकस के मध्य राजनयिक संबंध स्थापित होंगे, यानी राजदूतों का आदान प्रदान होगा। तो यहाँ पे इतिहास में ये जानकारी मिलती है कि सेलूकस ने मेगस्तनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में मेगस्तनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में अपना राजदूत नियुक्त किया। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राजदूत सेलूकस के दरबार में भेजा या नहीं भेजा, भेजा तो किसे भेजा, इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसे अपन विडंबना कहे या दुर्भाग्य, क्योंकि शायद अगर यहाँ पे राजनयिक बदलाव होता है या राजनीतिक संबंध स्थापित होते हैं तो शायद चंद्रगुप्त ने भी अपना राजदूत वहाँ भेजा होगा। लेकिन भारतीयों की सबसे बड़ी कमी ये है कि वो लिखते नहीं हैं, किसी भी बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो शायद उसने कोई राजदूत उस समय भेजा था कि नहीं भेजा था उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये बात ज़रूर आपको ध्यान में रखनी है कि सेलूकस ने मेगस्तनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत के रूप में नियुक्त किया था, जो कि 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व तक पाटलिपुत्र में रहता है। और अपने इस भारत प्रवास के दौरान वह इंडिका नामक ग्रंथ लिखता है। इंडिका नामक ग्रंथ की रचना वो करता है जिससे हमें
मौर्य काल और मुख्य रूप से पाटलिपुत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। इसके अलावा उस समय का भारत का जो समाज है, रहन सहन है, खान पान है, इन सब के बारे में भी जानकारी मिलती है। मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका में बड़ी बड़ी विचित्र विचित्र जानकारियाँ उपलब्ध करवाई है। उसने कहा है कि भारत में पेड़ों पे गुड़ लगता है, गुड़ का उत्पादन भारतीयों को वैसे नहीं करना पड़ता है। हो सकता है उसने पेड़ों पे मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा और उसमें से शायद कभी उसको मिला होगा। उसने ये भी बताया है कि भारत में यूनान में जितने बड़े बड़े कुत्ते होते हैं उतनी उतनी बड़ी चींटियाँ भारत में हैं, और ये चींटियाँ हैं वो खदानों से सोना निकाल के लाती हैं, इससे भारत बड़ा ही संपन्न देश है। ऐसी और भी कई जानकारियाँ इसने उपलब्ध करवाई थी, विचित्र विचित्र जानकारियाँ। शायद ये भारत को पूरी तरीके से नहीं समझ पाया था, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना की जो बात है, सबसे बड़ी जो दुर्भाग्य की बात है, वो ये है कि वर्तमान में मेगस्थनीज की इंडिका उपलब्ध नहीं है। नहीं तो मौर्य काल और प्राचीन भारत के बारे में शायद और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होती। इस संधि की अगली जो शर्त है, अगली जो शर्त यह है कि चंद्रगुप्त ने उपहार स्वरूप 500 हाथी मेगस्थनीज को दिए। चंद्रगुप्त खुश हो गया कि अब सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दिया है, चार प्रांत दहेज में मेरे को दे दिए हैं, एक राजदूत भी उसने यहाँ नियुक्त कर दिया है, तो चलो खुश हो के अपन भी कुछ उसको देते हैं। तो उसने 500 हाथी, अपन देखते हैं मगध की जो राजधानी है वो कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी, और पाटलिपुत्र कहाँ है, बिहार की जो राजधानी है पटना, उसके पास। तो यहाँ से वर्तमान में भी अपन बात करते हैं, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बंगाल है, उड़ीसा है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे हाथी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, और उस काल में भी यहाँ पे हाथी बड़ी संख्या में पाए जाते थे। और भारतीयों की सफलता का राज यही था, उस समय किलों को तोड़ने में हाथियों का प्रयोग किया जाता था। उस समय के सबसे महत्वपूर्ण हथियार थे हाथी, किलों के जो गेट होते थे उनको हाथी तोड़ने का काम करते थे। तो इस संधि की अगली जो शर्त है वो क्या थी कि चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार स्वरूप प्रदान किए। इसके बाद आगे अपन बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर भारत को जीता था। पश्चिमोत्तर जो भारत है जिसमें गुजरात और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र उसने जीता था, और मौर्य साम्राज्य में उसने सम्मिलित किया था। इसकी जानकारी हमें मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से, जो कि 150 ईस्वी का है, काफ़ी समय बाद का है, लेकिन उसमें हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विवरण मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख में यह जानकारी मिलती है, जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया था किसने, शक शासक रुद्रदामन ने। रुद्रदामन के इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक मौर्य दोनों के बारे में जानकारी मिलती है, दोनों के नाम इसमें मिलते हैं। इसमें यह विवरण मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान सौराष्ट्र का प्रांतीय जो शासक था उसने यहाँ पे एक झील का निर्माण करवाया था, और उस झील से आगे अशोक के शासनकाल में सिंचाई के लिए नहरें निकाली जाती हैं। सुदर्शन झील का निर्माण करवाता है कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसके आधार पे अपन ये मानते हैं कि पश्चिमोत्तर जो भारत है उसको मौर्य साम्राज्य में किसने सम्मिलित किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऐसी जानकारी मिलती है
कि भारत का प्रथम जो सम्राट था, प्रथम राष्ट्रीय जो सम्राट था, भारत की प्राकृतिक सीमाओं को प्राप्त करने वाला जो शासक था, उसका एक दुर्भाग्य देखने को मिलता है कि उसके शासनकाल के अंतिम वर्षों के दौरान 12 वर्ष तक के लगातार मगध में अकाल पड़ता है, ऐसी कुछ जानकारियां मिलती हैं। और पीछे जो महास्थान और सहोग्रा से दो ताम्रपत्र लेख मिले थे, उसमें अपन ने बात की थी कि अकाल के समय अनाज का वितरण का उल्लेख उसमें हुआ है, तो शायद ऐसा कुछ रहा होगा, 12 वर्ष की जगह कुछ कम समय रहा होगा। लेकिन उसके शासनकाल के दौरान या अंतिम जो समय है उसके शासन का, वहाँ पे कुछ अकाल पड़ते हैं जिसकी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य है वो परेशान हो जाते हैं। और फिर क्या है, जो जैन आचार्य भद्दर बाहु, जिसने कल्पसूत्र लिखा था, उसके साथ पाटलिपुत्र से दक्षिण की तरफ कर्नाटक में स्थित श्रवण बेल गोला नामक जो स्थान है वहाँ पे ये चले जाते हैं और वहीं पे हिंदू धर्म को त्याग के जैन धर्म अपना लेते हैं। किसके प्रभाव से? भद्रबाहु के प्रभाव से। और इसी कर्नाटक में स्थित श्रवण बेल गोला में ये जो उपवास की पद्धति है सलेखना पद्धति से ये अपने प्राण त्याग देते हैं। कभी 298 ईसा पूर्व में। और इनकी मृत्यु के बाद इनका जो बेटा था बिंदुसार शासक बनता है। तो अपना अगला जो शासक होगा, अपना अगला जो वीडियो होगा, वो होगा बिंदुसार। अब चंद्रगुप्त मौर्य की अपन बात करते हैं कि ये किस कुल से संबंधित था, तो अलग अलग जो साहित्य है, अलग अलग जो जानकारियां हैं, उसमें अलग अलग जानकारियां मिलती हैं। कुछ स्रोत हमें ये बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य है वो निमन कुल से संबंधित था। मुद्रा राक्षस में वर्षल शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ होता है निमन कुल में उत्पन्न। तो मुद्रा राक्षस ये कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय नहीं था, निमन कुल से संबंधित था। जबकि जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य ये जानकारी उपलब्ध करवाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था। जबकि यूनानी जो साहित्य है उसमें यह उल्लेख हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य है वो निमन कुल से संबंधित न होके निमन परिस्थितियों में उत्पन्न हुआ था, यानी जिस समय उसका जन्म हुआ था उस समय उसकी परिस्थितियाँ अच्छी नहीं थी। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य से प्रभावित हुआ था किस खेल के दौरान? एक ये भी अच्छा प्रश्न बनता है, राजकिलम खेल ये खेल रहा था, बच्चों का एक खेल था जिसमें एक बच्चा राजा बनता है, कोई मंत्री बनता है, कोई सेना बनता है, ये खेल खेल रहे थे। उसी समय चाणक्य उधर से गुजरते हैं और ये इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और चंद्रगुप्त को 1000 कारशापण में खरीद लेते हैं और अपने साथ ले जाके इसकी शिक्षा की अच्छी व्यवस्था करते हैं। युद्ध कला और शिक्षा और धर्म से संबंधित जो शिक्षा है वो इसको प्रदान करते हैं और एक योग्य व्यक्ति इसको बनाते हैं और आगे चल के दोनों मिलके मगध में एक नवीन राजवंश मौर्य वंश की स्थापना करते हैं और एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करते हैं। संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में ये बांधते हैं। ये जो मौर्य राजवंश चंद्रगुप्त ने स्थापित किया था यह 322 से 184 ईसा पूर्व तक मगध में शासन करता है। धन्यवाद दोस्तों। अगला अपना वीडियो होगा नेक्स्ट जो शासक है मौर्य वंश का बिंदुसार से संबंधित।